शक्ति जो परिणाम करे तुझे ये राधा सुत दानी। और मेरी बात भी सुनिए बेटा। कहिए महारानी। माता कह के बोले लाडले जी, हमारी इस रागनी पे खुश होकर दोनों कलाकारों के लिए 500-500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। अंकल जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कौन मेरी माँ है और कौन मेरे पिता हैं। कौन है बेटा? सुन लीजिए महारानी, जन्म तो दे दिया लेकिन तेरा पालन पोषण नहीं कर पाई क्योंकि मैं मजबूर थी, मेरी मजबूरी थी। आज से पहले मजबूरी तो नहीं बताई, क्या मजबूरी थी? वो मजबूरी ये थी बेटा, कुआरी ने पैदा करके तू कब्बा बीच बहाया। आज तलक ना तेरे जैसी, आज तलक ना तेरे जैसी, आज तलक ना देखी मानस खानी। माता कह के बोले लाडला खटके से तेरी बाणी, माता कह के बोले लाडले खटके से तेरी बाणी।
लवन आई अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मना बने आई अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मना बने आई अरे मेरे दिल पे छुरा मार के मेरे दिल पे छुरा मार के नमक लगावन आई मैं नहीं छुरा मारने नहीं आई हूँ बेटा बिल्कुल आई हूँ और ना ही नमक लगाने आई हूँ मैं तो तुझे बस इतना समझाने के लिए आई हूँ क्या समझाने के लिए आई हूँ पांचों पांडव तेरे भाई मैं क्यों समझावा नहीं आई पांचों पांडव तेरे भाई मैं क्यों समझावा नहीं आई ये मांग लिए क्या चाहिए तुमने माता कह के बोल लाडला खटके से तेरी वाणी माता कह के बोल लाडले खटके से तेरी वाणी नहीं बेटा मैं यही मांगना चाहती हूँ कि तू दुर्योधन का साथ छोड़ दे और अपने पांचों भाइयों के पास चल नहीं छोड़ सकता महारानी कुंती हरगिज भी नहीं छोड़ सकता तुझे दुर्योधन का साथ छोड़ना होगा बेटा नहीं छोड़ूंगा महारानी कुंती उसने मेरा साथ दिया है तो मैं भी उसका साथ दूंगा वो मेरा मित्र है मेरा सखा है तुझे दुर्योधन का साथ छोड़ना होगा नहीं महारानी बिल्कुल नहीं छोड़ सकता अगर तू दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता तो तूने अभी कहा था कि जो भी सूर्य निकलने से पहले तेरे द्वार पे आता है बिल्कुल और जो भी कुछ मांगता है तू उसको वही देता है बिल्कुल देता हूँ अगर तू दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता तो देख बेटा तेरे सामने एक माँ खड़ी हुई है और झोली फैला कर तुमसे भीख मांगती है कि ला जो तेरे पास गुरु परशुराम के दिए हुए पांच बाण है जी। जिन पांच बाणों पे तूने मेरे पांच बेटों का नाम लिख रखा है उन पांच बाणों को मुझे दे दे बेटा और मेरे बेटों की जान बख्श दे मेरे बेटों की जान बख्श दे महारानी कुंती ये मुझे विश्वास था कि जब तू मेरे शिविर में आई थी मुझे पता चल गया था कोई ना कोई चाल महारानी कुंती आज भी खेलने वाली मैंने कोई चाल नहीं खेली बेटा अगर तू मेरे साथ चलने को तैयार होता तो मुझे इन बाणों की जरूरत नहीं होती महारानी कुंती मेरी बात सुन ले मैं दुर्योधन का साथ ना छोड़ू दुर्योधन का साथ ना छोड़ू मांग ले और बकाया जान बकस दे कर दे मन का चाहया मेरे बेटों की जान बकस दे कर दे मन का चाहया ये कलम है उठा हरे राम बैस ले कलम उठा हरे राम बैस ले कलम उठा हरे राम बैस ले लिख दे धर्म कहानी माता कह के बोल लाए